कर्ण की दोनों पत्नियों रुशाली और सुप्रिया से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम हैं वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाल, प्रसेन और वनसेन। कर्ण के ये सभी पुत्र कर्ण के समान पराक्रमी तो नहीं थे, परंतु ये सभी महाबली कर्ण के पुत्र थे, इसलिए वीर और बलशाली तो थे ही। और उन्होंने अपने पिता कर्ण की भांति कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था। और कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कर्ण के पुत्र वनसेन ने महाबली भीम से युद्ध किया था और महाबली भीम के हाथों ही उसे वीरगति प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार कर्ण के 3 पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाल ने महाभारत के युद्ध में उन गांडीवधारी अर्जुन का सामना किया था, जिनके रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कर्ण के ये तीनों पुत्र महाधनुर्धारी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन ने अर्जुन के भाई नकुल से युद्ध किया था और उस पराक्रमी नकुल के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। कर्ण पुत्र प्रसेन ने महाभारत युद्ध में उस सात्यकी नाम के योद्धा से युद्ध किया था, जो अर्जुन का शिष्य होने के कारण अर्जुन की तरह पराक्रमी था। सात्यकी के हाथों वीरगति को प्राप्त होकर कर्ण पुत्र प्रसेन ने भी अपने मृत्यु को अमर कर दिया था। इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्रों का वध इन महारथियों के हाथों हुआ था। कर्ण के 9वें पुत्र वृषकेतु का सामना पांडव सेना के सभी महारथियों के साथ हुआ था, परंतु उस वीर कर्ण पुत्र का वध कोई भी महारथी नहीं कर पाया था। अर्जुन को कर्ण के बारे में जब पता चला कि वह उनका बड़ा भाई था, तो उन्हें कर्ण की मृत्यु पर बड़ा अफसोस हुआ था और उन्होंने कर्ण के जीवित बचे 9वें पुत्र वृषकेतु को अपने पास बुलाया था और अपने उस भतीजे को इंद्रप्रस्थ राज्य का राजा बना दिया था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तो उन्होंने अन्य प्रतापी राजाओं की भांति अश्वमेघ यज्ञ किया। उस समय अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को पकड़ लिया था, जिसके कारण बब्रुवाहन से युद्ध करने के लिए वृषकेतु गया था और युद्ध में वृषकेतु बब्रुवाहन के हाथों मारा गया था।